गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल मार्केट के चार प्रकार, दैट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया. सबसे पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये क्या है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में. तो जो गवर्नमेंट है उसने वेरियस बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IFCI, SIDBI, IRCI, SFCs, SIDCs, LIC, GICs सेक्टर को एस्टैब्लिश किया है जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट में. ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? आपको मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवा के जो भी पब्लिक इशू कंपनीज निकाल रही हैं अपने शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के, उनको सब्सक्राइब करके अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा के एक्ट करके एज अ बैंकर टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट में. देन नेक्स्ट आता है हमारा लेजिस्लेटिव मेजर्स. गवर्नमेंट ने वेरियस लेजिस्लेशंस भी इनेक्ट किए हैं जिसमें कंपनीज एक्ट आ जाता है, सेबी एक्ट हो गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए जो प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को. इन मेजर्स के थ्रू, इन एक्ट रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू जो कैपिटल मार्केट है उसकी हेल्दी ग्रोथ होती है. जो भी अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे उसको रेगुलेट किया जाता है. द नेक्स्ट इज योर ग्रोथ ऑफ अंडरराइटिंग बिजनेस. जो अंडरराइटिंग बिजनेस है इंडिया में ग्रो कर रहा है रैपिडली, और उसका जो मेन रीज़न है दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक्स. जो इशूइंग कंपनी है वो एंटर करती हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में जो कंपनी है उसके साथ, अंडरराइटर है उसके साथ, कि जो सिक्योरिटीज़ हैं आपकी अंडर सब्सक्राइब ना हो. अगर अंडर सब्सक्राइब होती हैं तो जो अंडरराइटर है वो जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है पब्लिक इशू का वो उसे अंडरराइट, जिसे उसने किया है वो उसे बाय करेगा. तो अंडरराइटिंग एक तरीके से गारंटी प्रोवाइड करवा रही है कंपनी को कि उसका जो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है वो उसे पूरा मिलेगा, और इस तरीके से जो न्यू इशू मार्केट है वो प्रमोट होती है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को, कंपनीज को रेटिंग देती है. रेटिंग किस चीज़ से रिगार्डिंग? वो इस चीज़ से रिगार्डिंग उन्हें रेटिंग देती है, ग्रेड देती है, A+, A++, इस तरीके से कि अगर कंपनी में कोई इन्वेस्ट करता है, उसके शेयर्स में कोई इन्वेस्ट करता है, तो कंपनी कितनी कैपेबल है उसकी जो पेमेंट है उसे वापस करने के लिए, या कंपनी कितनी हेल्दी है उस जो भी उसने शेयर्स अपनी शेयर्स उसने परचेज किए हैं या दूसरी सिक्योरिटीज उसने परचेज हैं उसकी रीपेमेंट करने के लिए. तो एट प्रेजेंट अगर बात करें 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं. जो है क्रिसल है जो सेटअप हुई थी 1988 में, आइक्रा सेटअप हुई थी 1991 में, केयर सेटअप हुई थी 1993 में, और जो फोर्थ रेटिंग एजेंसी है दैट इज़ फिच रेटिंग एजेंसी लिमिटेड. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ सेटिंग अप ऑफ सेबी. जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो सेटअप हुआ था 1988 में और इसे स्टेचुअरी रिकॉग्नाइजेशन मिली थी 1992 में. जो बोर्ड है उसने जो इसका बोर्ड को सेटअप करने का मेन पर्पस था वो ये था कि जो कैपिटल मार्केट है उसकी हेल्दी ग्रोथ हो सके, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सके कि किस तरीके से जो कैपिटल मार्केट है उसमें फंक्शन होगा. नेक्स्ट इज योर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं इसकी अवेयरनेस अमंग दी जनरल पब्लिक इंक्रीज़ हुई है. और वो कैसे इंक्रीज़ हुई हैं? जो स्टॉक एक्सचेंज है या फिर जो वेरियस अथॉरिटीज़ हैं जैसे सेबी हो गया, वो बिजनेस वेरियस पब्लिकेशंस निकालती हैं जिससे जो इन्वेस्टर है वो एजुकेट होता है. जैसे बिजनेस न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टुडे, फॉर्च्यून इंडिया सेक्टर जैसी पब्लिकेशंस हो गई जो लोगों को अवेयर करवाती है कि कौन कौन सी उनके पास नई न्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है. नेक्स्ट इज योर ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड कलेक्ट करते हैं मनी स्मॉल इन्वेस्टर से और उसे इन्वेस्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डाइवर्सिफाइड मैनर में. इंडिया का जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड सेटअप हुआ था वो हुआ था UTI 1964 में. क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी तो 1993 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री भी म्यूचुअल फंड्स में ओपन की जाए.
एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ दी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके अपने म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं मतलब ग्रोथ कैपिटल मार्केट में हो रही है. नेक्स्ट इज योर ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट्स. रैपिड इंक्रीज हुआ है इन द ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया रिसेंट ईयर्स में. और जब इस्टेब्लिश हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1993 में, तो एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ स्टॉक मार्केट में. ऑन 9th अप्रैल 2019 10 स्टॉक एक्सचेंजेस थे जो रजिस्टर्ड थे सेबी के साथ. उसमें से 3 कमोडिटी एक्सचेंजेस थे और 7 थे जो डील करते थे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में. देन नेक्स्ट आता है डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज. डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? पहले अगर आप शेयर्स में या डिबेंचर्स में या किसी भी सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट करते थे तो आपको फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट मिलते थे. डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब है कि वो मटेरियल फॉर्म में अब नहीं है, मतलब अब आपको फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ नहीं मिलेगी. आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं और आपका जैसे बैंक में आपके पैसे डेबिट और क्रेडिट होते हैं, उसी तरीके से जो डीमैट अकाउंट है उसमें जो भी शेयर सिक्योरिटीज जो भी आपने खरीदी हैं उसकी जो यूनिट्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट होती हैं. तो डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया. क्या ट्रेंड रहे हैं कैपिटल मार्केट के ग्रोथ में, वो हम डिफरेंट पार्ट से देखते हैं. पहला है हमारा ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर. इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में मेनली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आ जाती हैं और 99% जो टोटल कंपनीज हैं उनमें से 99% बिलोंग करती है प्राइवेट सेक्टर को. तो इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया. और इसको अगर हम टेबल देखें तो ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में 1982 में जो नंबर ऑफ कंपनीज थी वो थी 72402 और जो पेड अप कैपिटल थी उनकी वो थी 18936. 2016 में नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीज होके हो गई 1088780 और जो उनकी पेड अप कैपिटल है 4962526 है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर इंक्रीज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इतना मतलब इसका मतलब इतने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में ऑफर हो चुके हैं. नेक्स्ट इज योर ग्रोथ इन सेकेंडरी और स्टॉक मार्केट इन इंडिया. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन स्टॉक मार्केट ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ विटनेस की है. और अगर हम उसमें बात करें तो स्टॉक एक्सचेंजेस वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एस्टैब्लिश हुए. 1979-80 में 9 स्टॉक एक्सचेंजेस थे इंडिया में. 1993-94 में इंक्रीज होकर 94 हो गए. देन 1918-19 में 10 स्टॉक एक्सचेंजेस थे इंडिया में. और सेबी एक्ट हुआ 1992 में, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में हुआ. इसने प्रमोट किया ऑर्डरली डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट्स का इंडिया में. अगर हम ग्रोथ ऑफ पैटर्न देखें इंडियन सेकेंडरी या स्टॉक मार्केट का, तो 1979-80 में नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस आप यहाँ पे अगर देखें 1979-80 ऑनवर्ड्स 9 थे, फिर 14 हुए 19, 23, 19, 17 और 10. नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज भी देखिए इंक्रीज हो रही हैं. पहले 555 और 5619 थी 2017-18 में. मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका इंक्रीज हुआ है. देन नेक्स्ट इज ग्रोथ इन प्राइमरी मार्केट इन इंडिया. प्राइमरी मार्केट में इंक्लूड होता है जो भी आपका पब्लिक इशू निकल रहा है, इक्विटी शेयर्स का, राइट शेयर्स, डिबेंचर्स का. तो इंडियन कैपिटल मार्केट में जो भी ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं पब्लिक इशू की वजह से वो भी इंक्रीज हुए हैं. गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं ताकि प्राइमरी मार्केट को जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सके. जैसे कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट रिफंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ EIPO, रिजर्वेशन ऑफ शेयर्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर, रिडक्शन इन टाइम पीरियड ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स सेक्टर, जैसे जो स्टेप्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्राइमरी मार्केट की ग्रोथ में हेल्प किया है. न्यू कैपिटल इश्यूज जो निकाले हैं नॉन गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया में, यहाँ से हम टेबल में से देख सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ पब्लिक इशू 1980-81 में 237 थे, 2017-18 में 221 थे. लेकिन अगर आप इनका अमाउंट देखें तो पब्लिक इशू का 1980-81 में 164 करोड़ था, जबकि 2017-18 में 72,946 करोड़ रुपीज था. देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो प्राइमरी मार्केट इन इंडिया में हुआ है पब्लिक इशू, IPOs, FPOs के थ्रू, राइट इशू के थ्रू एंड
टोटल इक्विटी में, आप इक्विटी और डेप्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो 100% अगर हम 1999, 2000, 2001, 2016, 2017, 2017, 2018 का दिया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग के ईयर का 1999, 2000 का और 2017, 2018 का जो डाटा है टेबल का वो आप देख सकते हैं। पब्लिक इशू में टोटल निकला है 83696 अमाउंट का फिगर, और जो राइट इशू है वो निकला है 21400 का। तो टोटल इक्विटी जो इशू हुई है अगर उसी को 1999-2000 में देखें तो वो थी 7817, जबकि 2017-18 में वो है 105096। अगर हम शेयर की इक्विटी डेप्ट की बात करें तो परसेंटेज अगर आप देखें वो 88.2% थी, जो इंक्रीज होकर 95.3% हो गई, और जो डेप्ट था 11.8 था और अब 4.7% है। ग्रोथ हुआ है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में, सिग्निफिकेंट जो ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल सेक्टर में वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हुई है। वाइड नेटवर्क ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द नेशंस सेटअप किए गए, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, रूरल ब्रांचेस, कमर्शियल बैंक्स की ने डीप पेनिट्रेशन किया रूरल सेक्टर में, और गवर्नमेंट ने डिफरेंट डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस जैसे IFCI, IDBI, SIDBI, NABARD एक्सेट्रा को भी सेटअप किया, ताकि जो क्रेडिट नीड्स हैं इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर सेक्टर की उसे मीट आउट किया जा सके। देन ग्रोथ हुआ है म्यूचुअल फंड्स में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था 1964 में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, इसकी मोनोपोली रही है 1964 ऑनवर्ड्स से लेके 1992-93 तक जो UTI है उसकी मोनोपोली रही है। तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो आपका गवर्नमेंट है उसने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया कि वो भी म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में सेटअप कर सकते हैं। तो इसका अमाउंट भी अगर आप देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो रही हैं 2001-02 में 1,594 थी, जबकि 2017-18 में 21,36,036 करोड़ रुपीस थी। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट में अब ज़्यादा यूज़ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। एडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एनेबल किया है कि कैपिटल मार्केट में आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंटरनेट ट्रेडिंग, मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग, EIPO, e-banking जैसे जो स्टेप्स हैं उन्होंने प्रमोट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैपिटल मार्केट में। देन आता है आपका साउंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2004, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्होंने रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है कैपिटल मार्केट का उसे स्ट्रेंथन किया है इंडिया में। ऑर्डरली डेवलपमेंट कैपिटल मार्केट की हो पाई है, स्कैम्स प्रिवेंट हुए, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो कैपिटल मार्केट में हुई थी वो कट डाउन हुई, और उसका मेन रीजन था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सभी का अलग से कंप्लेंट्री ड्रेसल सिस्टम है जिसे स्कोर कहा जाता है, जो सेटअप इसीलिए किया गया है ताकि जो इन्वेस्टर की ग्रीवियंसेज हैं उनको फास्टली जो है रेड्रेस किया जा सके, और ऐसे इनिशिएटिव से जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो कैपिटल मार्केट में बूस्ट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट की, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।